22 मई रविवार का जो आजादी की अमृत गाथा का 69वां अंक था, ये काफी सफल रहा और सभी लोगों ने इसे बड़े गंभीरता से लिया और इस पर इस समय समीक्षा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। तो जब सकारात्मक विषय लेते हैं जो देश के भविष्य निर्धारित करता है, भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे कहा जाता है 2020। और उस पर गणमान्य जो विद्वत जन थे उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए और उस पर ईशा खान जी का विचार आ गया है। ईशा खान जी ने अपना विचार टेक्स्ट में भेजा है, तो मैं उन विचारों को आपके समक्ष लाना चाहता हूं। दूरदर्शन से जुड़े हुए ईशा खान जी क्या कहते हैं, आज पॉजिटिव स्पीकर भी थे वो, उन्होंने महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की जो जयंती 24 मई है, तो उन्होंने शत शत नमन किया आरजेएस फैमिली की ओर से। और उन्होंने इस वेबिनार की समीक्षा करते हुए क्या कहा वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का आरजेएस टीजे एपीएस केबीएस के आजादी की अमृत गाथा 69 वेबिनार काफी सफल रहा ईशा खान जी की नजर में। आयोजकों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि शिक्षाविदों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए शिक्षा के साथ संस्कार अर्जन पर जोर देने की बात की है। बिल्कुल सही। और नीति को ईमानदारी से लागू करने की जरूरत पर आज वेबिनार में बल दिया गया। प्रोफेसर योगेश सिंह कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी जो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं, वो कह रहे हैं कि दूरदर्शन में हमारी इन लोगों से मुलाकात हो चुकी थी, मैं उनके व्यक्तित्व से पहले से परिचित था। हाँ, डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी, डॉक्टर अभय कुमार जी और डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है, बधाई दी है। अभिलाषा जी को कहा है कि आपने बिल्कुल सफल मंच संचालन किया है। तो ये डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, महिला विंग के ग्रुप में, तो उन तक ये बधाई संदेश पहुंच जाएगा। और प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा, एके मर्चेंट जी को बधाई, जो वेबिनार के बैकबोन हैं, उनका हार्दिक आभार। दीदेवार जी, टटेसर भाई जी को बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया है। नीचे लिखा है ईशा खान, दूरदर्शन दिल्ली। तो ईशा खान जी ने अपने मंतव्य को टेक्स्ट में ग्रुप में, एक ग्रुप में भेजा है और वो आप लोगों तक पहुंचाया गया है। ये बताना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव हर रोजाना करना है, तो आज की जो समीक्षा होगी इसको फेसबुक में डाल दिया जाएगा, फेसबुक पे डाल दिया जाएगा, इसका एक अंक दे दिया जाएगा। जैसे कि 152वां अंक हरियाणा यात्रा की हुई है, आप जानते हैं मीडिया महाकुंभ 2022 पर चर्चा की गई थी, समाचार क्यारी मीडिया महाकुंभ 28, 29 और 30, 3 दिन का बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, तो उस पर आधारित जो है वो 152वां फेसबुक लाइव हुआ और 153वां आज का ये फेसबुक लाइव के आधार पे ये जो समीक्षा की जा रही है इसको फेसबुक पे भेज दिया जाएगा। तो ये वेबिनार की जो है समीक्षा है और प्रतिभा विकास है, यानी जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों से बातचीत की जाएगी और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत गणमान्य लोगों को ये मंच बहुत अच्छा लग रहा है और जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि जो ये अभियान शुरू किया गया था अब ये कारवां की तरह चलने लगा है, तो हमें भी अपनी सक्रियता दिखानी पड़ेगी, हमें भी यात्रा करनी पड़ेगी और यात्रा जो भी सक्रिय लोग हैं उन सब लोगों को शुरू करनी पड़ेगी। छोटी छोटी वीडियोज को डाउनलोड इसमें डालना पड़ेगा ग्रुप में और बाद में उसको यथोचित स्थान दिया जाएगा, अगर पसंद आने पर उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। और आगे आपको स्वतंत्रता सेनानियों पे बताया जाएगा कि 29 मई को नो टोबैको डे के अवसर पे, नो टोबैको डे 31 मई को होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में 29 मई, हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत रविवार 29 मई को अगला वेबिनार
11 बजे से आयोजित किया जाएगा। उससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पॉजिटिव स्पीकर्स का चुनाव जो है वह जारी रहेगा कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी महापुरुषों पे कौन वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप लोग आगे आइए और आप लोगों की वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रियंका जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्रभारी आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना और आरजे युवा टोली के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आपका स्वागत है। प्रियंका सिन्हा जी, आपका स्वागत है। कुछ बातचीत हम लोग कर लेते हैं और उस बातचीत को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। यही प्लान है कि समीक्षा भी हो जाएगी, प्रतिभा विकास के बारे में भी बातचीत हो जाएगी और यूट्यूब और फेसबुक पे इसको डाल दिया जाएगा और सारे ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। तो आज बताएं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आज का वेबिनार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कैसा रहा? वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। यह वेबिनार प्रतिदिन 1 से 11 होगा, उस कड़ी में ये सर्वोत्तम स्थान पर चला गया। अटेंडेंस भी अच्छे लोगों का हुआ, पॉजिटिव लोगों का हुआ, पार्टिसिपेंट भी और वक्ता भी पॉजिटिव थे, बातें भी स्पष्ट थी, जो कुछ जानकारियां मिली वे सॉलिड थी, उनमें कोई हिचक की बात नहीं थी, प्रश्नों का जवाब भी संतोषप्रद रहा। अब सवाल है कि इस वेबिनार का महत्व आगे इस परिवार के लिए क्या होगा, इस पर समीक्षा करनी थी मुझे। तो मेरे पॉजिटिव स्पीकर जितने भी हैं उन्होंने इस वेबिनार को सर्वोपयोगी माना, इसलिए कि वे शिक्षक हैं, ज्यादा करके शिक्षा प्रथम और सर्वोत्तम प्रशिक्षण की मुहिम को वे चलाते हैं। इस मुहिम के अंदर उनकी चिंता और परेशानी का कारण था कि गिरता हुआ स्कूली शिक्षा का सरकारी स्तर। दूसरी समस्या थी कि उनको सुविधाओं की कमी के कारण, उपलब्ध सुविधाएं भी नहीं मिलने के कारण शिक्षण देने में दिक्कत थी, लेकिन फिर भी वे पॉजिटिव होकर काम कर गए थे। अब उनका हिम्मत पस्त नहीं हुआ, बल्कि इस वेबिनार के बाद उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, भरोसा बढ़ गया सरकार से, और सबसे ज्यादा भरोसा उनको अपनी आत्मशक्ति पर हुआ है। जैसा कि वक्ताओं ने कहा कि पॉजिटिविटी अगर है तभी सक्सेस होगा। सरकार की सुविधा मिलने के बाद भी, नियम के लागू होने के बाद भी, और बहुत अच्छा नियम होने के बावजूद भी सकारात्मकता हर क्षेत्र में पहली आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारे युवा सदस्यों का मनोबल बहुत बढ़ा है। यह एक विशेष बात इस घटना की हुई है, जिसके लिए मैं सभी वक्ताओं को, भागीदारों को और भाई उदय मन्ना जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना प्रोत्साहित किया, इतना समझाया कि हम मुंह दिखलाने के लायक गए वेबिनार पर, नहीं तो उसी में शर्म आती थी हमारे लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम जी। जय हिंद, वंदे मातरम। और बहुत अच्छी बात कही आपने, आपको वेबिनार अच्छा लगा और हिम्मत मिली कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पॉजिटिविटी की बात की गई है, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, किस तरह से संस्कार जो है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहते हैं नई शिक्षा नीति में भी है, और जिस तरह से रोजगार की बात हम लोगों ने MSME के रोजगार की बात की है, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पर भी बल दिया गया है, कला कौशल के विकास पर बल दिया गया है, भारत के जो स्वभाव है, जो समग्र स्वभाव है भारत के, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारतीयता है, उस भारतीयता पर, वहां की भाषा, रहन सहन, खान पान,
इन सब मूलभूत जो जो एक चीज है जो जो जीवन में और फिर जीविका और जीवन के समन्वय से ये सफलता हासिल हो सकती है, नई शिक्षा नीति इस पर बल देती है। अब आइए डॉक्टर मुन्नी कुमारी ने जो टेक्स्ट भेजा है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। शिक्षा और संस्कार का अन्योनाश्रय संबंध है, ये डॉक्टर मुन्नी कुमारी महिला विंग में जुड़ी हुई हैं। इसे पुनः स्थापित करने की जरूरत है और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है। वाओ, सो जेनरस, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वेबिनार हेल्ड बाय द पॉजिटिव डिग्निटरीज। यहाँ पॉजिटिव डिग्निटरीज का इस्तेमाल डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे विचारों में अब पॉजिटिव डिग्निटरीज भी आ गए हैं। जैसे पॉजिटिव स्पीकर हैं तो पॉजिटिव डिग्निटरीज आए थे, और सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू उन्होंने डॉक्टर मुन्नी कुमारी ने कहा है। तो चूंकि कई वक्ताओं ने सकारात्मकता की चर्चा की है, डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर तो मुनि इंटरनेशनल स्कूल पहले भी सह आयोजक रहे हैं, काफी सालों से सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उनके सारे बच्चे सकारात्मक भारत आंदोलन से जो जुड़े हुए भी थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्मी इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, और स्वयं जो लेक्चरर हैं डॉक्टर कुसुम लता जी, तो वो भी जुड़ी थी, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, हिंदी विभाग में हैं, वो भी जुड़ी थी, काफी लोग जुड़े थे। और डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी ने भी एक पॉइंट इशारा किया इतिहास के बारे में, शेरशाह सूरी पर उन्होंने सवाल उठाए थे, उसके बारे में जो जानकारी है, जो नेट पे जानकारी होती है उसके हिसाब से हम लोग जो है वो सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो आगे ये बात बढ़ गई है कि हम लोग अब डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी अगर सहयोग देंगे, जैसा उन्होंने बताया कि मैं भी उस कमेटी में हूँ जो इतिहास का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, तो धीरे धीरे जो चीजें आएंगी सामने हम लोग महापुरुषों और सभी सभी महापुरुषों को साथ में लेकर चलेंगे, ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध हैं कि नई पीढ़ी जो है वो गुमराह न हो और सभी महापुरुषों का सम्मान, उनकी जो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, जो उनसे प्रेरणा ली जा सकती है, हम लोग केवल उनके व्यक्तित्व के प्रेरक प्रसंग को लेना चाहेंगे। और तो ये टेक्स्ट में डॉक्टर मुन्नी कुमारी और इशाक खान जी ने, इशाक खान जी आज पॉजिटिव स्पीकर भी थे, प्रेम प्रभा झा जी थी पॉजिटिव स्पीकर, और वैभव भारद्वाज जी थे, और अब हम देखते हैं कि अब हम मुन्नी कुमारी वेबिनार में जुड़ी थी, और पोस्टर भी जारी हो गया है, सभी लोगों का पोस्टर जारी हो गया है, और अगर पोस्टर नहीं जारी हुआ है किसी का फोटो छूट गया है या जो चाहते हैं तो वो लोग आज फोन कर सकते हैं, तो आज उनका फोटो ढूंढा जाएगा कौन है क्या है, बहुत सारे लोग जो थे अपरिचित थे, तो दो पोस्टर जारी हुआ है, और बहुत से लोग वीडियो में नहीं आ रहे थे, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फोटो हमारे पास जो उपलब्ध थे उसके आधार पे प्रियंका सिन्हा आप आइए, आज के वेबिनार के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रियंका सिन्हा, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद जी प्रियंका जी। सर आज का वेबिनार तो खैर बहुत ही जानकारी रचनात्मक था, लेकिन सर ये जो था वो जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो संभव नहीं हो सकता, बहुत जगह पे नहीं संभव होता है। असल में वो लोग थे कि खुद के मालिक थे सर, अपने अपने जगह पे तो अपना नियम लागू करते हैं, हम लोग तो हैं कि किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ता है हम लोगों को, फिर भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कहीं जगह पे कहीं कहीं पे है कि उनके अनुसार से करना पड़ जाता है सर, यही पे प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम अच्छे भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी दबाव रहता है कि नहीं ये काम आप नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से है कि कहीं कहीं हम लोग मार खा जाते हैं।
आपकी बात समाप्त हो गई? आपकी बात, हाँ आपकी बात समाप्त हो गई प्रियंका जी। बिना संस्कार के तो खैर शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षा में है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे भी है, अगर उनमें संस्कार नहीं दिखता है या संस्कार नहीं है। और जहाँ तक बात बोली गई है कि स्कूल में हम लोग सर मात्र 5 या 6 घंटे का देते हैं, तो बच्चे के साथ हम लोग 5 या 6 घंटे के हैं। बाकी तो है कि 24 घंटे में 6 घंटे, बाकी हो गया 18 घंटे तो वो अपने गार्जियन के पास है, अपने दोस्तों के पास है। तो सबसे पहला स्कूल जो होता है वो घर से शुरू होता है। अगर घर में है कि माँ बाप है या फिर और उनके हैं, मतलब पेरेंट्स जो भी हैं, बहन है भाई है, अगर उनसे नहीं मिल पाती है तो हम लोग शिक्षक, एज ए शिक्षक बोल रहे हैं सर, एज ए शिक्षक के आधार पे 6 घंटे में कितना मेरे सामने, वो ठीक है वो रूल अपनाएंगे, संस्कार दिखाएंगे, लेकिन फिर वो जैसे ही स्कूल से बाहर जाएंगे अपने रूप में आ जाते हैं। तो ये चीज है कि सब लोग उस पे है कि जैसे घर के गार्जियन है, हम लोग का तो ये रहता ही है कोशिश कि मेरा बच्चा अच्छा करे, जो भी हो हमारा बच्चा अच्छा करे, हम लोगों का यही रहता है। माँ बाप का ख्वाहिश रहता है कि नहीं, जिस तरह से घर में रहते हैं उसी तरह से हम लोग का भी ख्वाहिश है कि नहीं, हमारा बच्चा अगर कुछ करता है तो नाम होता है सर, अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहीं कहीं पे मेरा मतलब हमारे स्कूल का बच्चा है कि जैसे NIT हमारे गांव से है, गांव में है स्कूल, वहां से NIT दिल्ली में अभी पढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो उस गांव से भी, गांव के स्कूल से भी निकलकर अच्छे अच्छे जगहों पे हैं। तो यही होता है कि बिना संस्कार का तो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है, चाहे वो कितना हो उच्च पद पे क्यों नहीं चल जाए। तो इसलिए सर हमारे सबसे वरिष्ठ जो आज बिजन कुमार मिश्रा जी ने ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का नाम भी लिया, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही यंग है, उनके विचार सुन लेते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और सुमन कुमारी जी भी जुड़ गई हैं, और अभी थोड़ी देर में संभवतः पुष्कर बाला जी का फोन आ रहा है, प्रभारी आरजे सकारात्मक जमशेदपुर की। झुनझुनवाला जी आप इस पर अपने मंतव्य प्रकट करें। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आप जुड़े हैं, आप अनम्यूट करके आइए, अनम्यूट कर लीजिए, जब भी बोलना हो अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हेलो हेलो जी आवाज गई? हाँ आवाज, हेलो हाँ आवाज जी, है आवाज है। हाँ प्रियंका जी, आपने जो वर्तमान स्थिति है उसका वर्णन किया, लेकिन आप पॉजिटिव स्पीकर के साथ स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, और स्पिरिचुअल टीचर होने के नाते आपको अपने आप पर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक आप बेस्ट शिक्षक हैं, और आप जो कहेंगे वो आपके बच्चे मानेंगे। और इसके लिए जो समस्या आपकी थी उसका समाधान करने के लिए नई शिक्षा नीति में व्यवस्था कर दी गई है, उस पर आपको विश्वास रखकर और पॉजिटिव होकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि वक्ताओं ने 4 बातें बताई हैं, शिक्षा सर्वोत्तम होनी चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सब कोई स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन सके, पढ़ सके, और अपने इच्छा के अनुसार व्यवसाय के अनुसार अपनी एबिलिटी प्राप्त कर सके, और दूसरा कि शिक्षक भी संस्कारी हो, बच्चे को भी संस्कार दिया जाए। जहां तक संस्कार की बात है, भारत के किसी भी बच्चे संस्कारहीन जन्म नहीं लेते हैं। यहाँ की व्यवस्था धरती की विनाशकारी व्यवस्था के अंतर्गत
नकारात्मक व्यवस्था, नकारात्मक व्यवस्था के ऊपर छाया रहता है, इसलिए आपके सकारात्मक किए गए कार्यों का तुरंत दर्शन नहीं लोग कर पाते हैं। आप कंटिन्यू रखिए और हमारे सभी शिक्षक भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने बच्चों में संस्कार है उसको जगाने का काम करते हैं, वो आपका प्रयास सफल होगा और राष्ट्र हमारा मुहिम जो हमारी है शिक्षा प्रथम उत्तम प्रशिक्षण सर्वोत्तम सफलता का आगाज करेगा, जिसको सभी लोग देखकर वो लोग प्रशंसा करेंगे जो इस शिक्षा के कार्यक्रम में सरकार की नीतियों के विषय में आपकी नियत के विषय में जो धोखा दे रहे हैं वो ही आपकी सम्मान करेंगे जब उनकी सारी परिश्रम फेल होगा, तब तक हम लोगों को धैर्य पूर्वक अपना कार्य शिक्षण उत्तम प्रशिक्षण सर्वोत्तम जारी रखने की जरूरत है। धन्यवाद, नमन सबको, जय हिंद। जी हाँ, तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अपना मंतव्य इस पर बताया है, कितना संतुष्ट हैं प्रियंका जी वो बताएंगी। प्रियंका जी आप कितना संतुष्ट हैं, आपको जवाब मिल गया? सर बात सही है, वो तो कोशिश हम लोग करते हैं, करते भी हैं और देते भी हैं संस्कार, तो हमारा हम लोग को देना कर्तव्य है सर, हमारा देना कर्तव्य है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, जो भी मेरे पास आते हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, यही समझ के ही देते हैं, उनको अच्छे ही संस्कार देंगे। तो ये सबको समझ में, देखिए ये आवाज आ रही है, यही ट्रेनिंग है ना, ये जरूरी है, ये आवाज जो आ रही है ये डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये बोलने के बाद अपने माइक को सभी लोग अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, बंद कर लें, म्यूट कर लें, और जब बोलने की बारी हो तो अनम्यूट कर लीजिए उसको, आवाज अननेसेसरी ना आए, बोलने के बाद अपने माइक को बंद कर लीजिए, ये आगे के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम है, शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम, के अंदर सकारात्मक ऊर्जा अगर नहीं आती है तो फिर उसका कोई मायने नहीं है, पॉजिटिविटी जो है वो ऊर्जा देती है, और यही चीज जो है ना, अगर 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 आरजीएस ने देश के लोगों में पॉजिटिव एनर्जी दे दिया तो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान आरजीएस की तरफ से होगा। पॉजिटिव एनर्जी है क्या, यही चीज है कि जो हमारे विशेषज्ञ आते हैं, एक तो उनका बहुत ही कीमती समय होता है, कोई अगर वाइस चांसलर आता है, कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर आता है, सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी आता है, तो उसकी एक एक बात में बहुत वजन होता है, लेकिन एकांत में नहीं होगा, जब एक एक उसके शब्द को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लैग कर रहे हैं, हम अपने जो फायदा उठाना चाहिए हम फायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उसके जो विचार है उसके मायने क्या है ये समझना पड़ेगा, और उसमें से कुछ पॉइंट को आपको दोहराना पड़ेगा, आप अपने सर्किल में उसको दोहराइए। जैसे संस्कार के बारे में आज हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिला है कि शिक्षा के साथ संस्कार होना चाहिए, अब ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसको जब जीवन में उतारते हैं तो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। नकारात्मक माहौल 90% है, उसमें से 20% वाले लोग पॉजिटिविटी की चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि पहले दौर में सफलता ना मिले, लेकिन आपकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, आपका सर्किल आगे बढ़ने वाला है। जब ये आरजेएस ने काम करना शुरू किया था इन्हें गिने लोग थे, मैं बताना चाहूंगा इन्हें गिने लोग थे, और बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम जो हुआ था गांधी पीस फाउंडेशन में, बहुत मशक्कत करने के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, और जानते हैं मुख्य अतिथि कौन थे? वंदे मातरम, आरजेएस वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर एमएस बिट्टा जी। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा अपने उद्बोधन में कि लोग कम हैं। एमएस बिट्टा साहब आप जानते हैं जेड सिक्योरिटी में रहते हैं, और
उन पर कई बार हमले हुए हैं आतंकवादियों के, और उनका पूरा स्टील पर वो खड़े रहते हैं, पैर बम से उड़ गया उनका, देश के लिए आतंकवादी कुर्बान कर दिए अपने उसको, लेकिन देशभक्ति की मिसाल है वो, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, और आरजेएस फैमिली को अपने आवास पर भी बुलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप संख्या में थोड़े जरूर हैं, लेकिन जो चिंगारी होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन जैसे ही उसको माहौल मिलता है वो अपने आप फैल जाती है। तो पॉजिटिविटी एक मंत्र है, एक चिंगारी है, एक मंत्र है, और ये फैल रहा है। बड़े गणमान्य लोग इस मंच पर आकर, और देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कितना अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन किए, उन्होंने आपके हर सवाल का जवाब दिया, ये कितनी बड़ी बात है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, नामी यूनिवर्सिटी है, यहां से कितने बड़े बड़े लोग निकले, और उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आपके कार्यक्रम में आप लोगों से बातचीत कर रहा है, इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, कितनी बड़ी बात। ये पॉजिटिविटी का कमाल है। और स्वयं वाइस चांसलर ने जो कहा, समीक्षा हम लोग कर रहे हैं वेबिनार की, उन्होंने कहा कि अगर आदमी के अंदर पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तो वो पॉजिटिव काम कहां से करेगा, इसलिए पॉजिटिव काम करना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग बहुत जल्द ये इस वेबिनार को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आमंत्रित करेंगे वैभव भारद्वाज जी से ले लेते हैं, और आर एस कुशवाहा जी आपका भी स्वागत। अब ये प्रशिक्षण में है, टाइम नहीं लगना चाहिए, वैभव भारद्वाज को आने में जो टाइम लग रहा है वो लगना नहीं चाहिए। सुमन कुमारी जी को आमंत्रित करते हैं। सुमन कुमारी जी, आज के वेबिनार में संभवतः आप जुड़ी थी नहीं जुड़ी थी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप आइए। ये हमें क्विक रहना पड़ेगा। वैभव भारद्वाज और सुमन कुमारी जी, हाँ आइए। यस हाँ जी, आज के वेबिनार में जुड़ी थी आप? नहीं, आज के वेबिनार में मैं नहीं जुड़ पाई थी। अच्छा, थोड़े देर भी नहीं, और वीडियो जो भेजा गया था उसको भी नहीं देख पाई? नहीं, आज के वेबिनार का जो वीडियो आया वो भी मैं नहीं देख पाई आज को। थोड़ी देर जरूर देखना चाहिए, यही पॉजिटिविटी जो है ना, क्योंकि समीक्षा उसी पर की जा रही है। और आप मोबाइल को वर्टिकल, हाँ यस, अब देखिए आपका बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये सावधानी हमें पहले से करनी पड़ेगी, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अभी वैभव भारद्वाज जी को बुलाया गया लेकिन वो जल्दी नहीं आए, अभी तक नहीं पता चल रहा है, हालांकि जुड़े हुए हैं। तो आप ये बताएं, क्योंकि इसी पर समीक्षा की जा रही थी, तो अब आप अपने आरजेएस फैमिली पे अनुभव बताएं। आप वेबिनार हो आज, जानते हैं लगभग 75 लोग जुड़े, ज्यादा ही, 75 से ज्यादा लोग जुड़े आज। जी बोलिए। 75 से ज्यादा लोग आज जुड़े। आप ग्रुप के बारे में, ग्रुप में क्या चल रहा है, और आगे आने वाली योजनाओं के बारे में, और आरजेएस फैमिली के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में दो शब्द आप बताएं। जी, एक तो हमारा जो है, जो हमारा वेबिनार हो रहा है डे बाय डे, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोग स्वेच्छा से उसमें जुड़ रहे हैं, जुड़ने वालों की संख्या जो है तेजी से बढ़ रही है ना। पहले शुरुआती दौर में हम लोग 12-15-20 की। सुमन जी आप सुनिए, किनारे आपका फेस आ रहा है, आप थोड़ा सा मिडिल पोर्शन में पीछे हो जाइए थोड़ा सा, और मिडिल पोर्शन में आइए। हाँ, और इस आप लेंस पर देखिए, कैमरा जो होता है ना वहां देखिए आप, जो आपका आप देखिए, आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका लेंस कहाँ पर है, लेंस कहाँ पर है? आप इधर देख रहे हैं, उधर लेंस नहीं है। आप जब लेंस पर देखेंगी तो सामने, हाँ यस यस, ये लेंस है, ये इसको मेंटेन कीजिए, ये पोजीशन है। हाँ, ये पोजीशन भी ठीक है, और थोड़ा सा कैमरा उसको आपने पट किया हुआ है, थोड़ा सा खड़ा कर लीजिए। नहीं नहीं, ऊपर मत ले जाइए, थोड़ा टिल्ट कीजिए उसको, टिल्ट कीजिए मोबाइल को, अपनी तरफ झुकाइए।
अपनी तरफ नहीं, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये तो ठीक है, पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप आगे आ जाइए या तो पीछे हैं आप। हाँ यस यस, ये पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है। लेकिन हाँ, अब आपका आई कांटेक्ट भी ठीक है जी। अब बताइए जी, गो ऑन, गो अहेड। मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ आरजेएस से, तब से उस समय, मतलब आज से 2 साल पहले आरजेएस के वेबिनार में जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या होती थी और अभी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, स्वेच्छा से भी जुड़ रहे हैं, और हमारे आरजेएस के मंच से हर रविवार अलग अलग मुद्दों पे, समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चाएं हो रही है। बहुत बड़े बड़े जानकार विशेषज्ञ, उस विषय से संबंधित व्यक्तित्व के लोग जो है जुड़ रहे हैं, जिससे हमें काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। मतलब एक ही मंच में 2 घंटे के अंदर बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं, जिससे हम सभी काफी लाभान्वित हो रहे हैं। और इस वजह से आगे नेक्स्ट वेबिनार कब कितने बजे होगा, उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन विशेषज्ञ आ रहे हैं, कौन मुख्य अतिथि है, इसकी जो इच्छा है वह बनी रहती है। मतलब एक उत्सुकता बनी रहती है कि आगामी वेबिनार में का विषय और उसमें विशेषज्ञ कौन कौन लोग होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन कुमारी जी, आप अभिप्सा विश्वविद्यालय पटना की सेक्रेटरी हैं। और अब हम आगे, आर एस कुशवाहा जी आप जुड़े हुए हैं क्या, आएंगे स्क्रीन पे, आएंगे आर एस कुशवाहा जी, लगातार वेबिनार में जुड़ रहे हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। आर एस कुशवाहा जी आप आएंगे, आज वेबिनार में भी आप शामिल थे, आज आपका पोस्टर भी जारी किया गया। आर एस कुशवाहा जी अनम्यूट करके आइए, आपका माइक म्यूट है। वैभव जी आप तैयार हो गए हैं? वैभव तैयार हैं? ऑलवेज रेडी जी, बताइए आज पॉजिटिव स्पीकर के रूप में आज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। सर्वप्रथम आरजेएस के सभी गणमान्य पदाधिकारियों को आज के सफल वेबिनार हेतु हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आरजेएस युवा टोली के सदस्य होने के नाते काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने एक ऐसे माँ भारती के वीर सपूत के बारे में आरजेएस के द्वारा जाना, जो कि मैंने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा, अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा, और मुझे इतिहास में और बाकी सब में काफी रुचि है, लेकिन उनके बारे में मैंने आज तक नहीं पढ़ा। वो महान शख्सियत जिनसे प्रेरणा लिए शहीद भगत सिंह, और मात्र 19 साल की अवस्था में उन्हें फांसी की सजा हुई, ऐसे महान शख्सियत और ऐसी छुपी हुई महान शख्सियत और माँ भारती के वीर सपूतों के बारे में आरजेएस हमें जानकारी दे रहा है, हमें अपने गौरवान्वित इतिहास। क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा जी। जी सर, करतार सिंह सराभा जी। और हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे देश में मौजूद थे जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें चंद इतिहासकारों द्वारा एक काफी, कोई बात नहीं आगे की सोच जी, पीछे जो भी हुआ है। बिल्कुल सर। तो मैं इसके लिए आरजेएस परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी महान विभूतियों को ढूंढ ढूंढ के हमारे पास ला रहे हैं। आज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे चर्चा एक काफी सार्थक और सफल चर्चा हुई, और काफी विशेषज्ञों ने हमें इसके बारे में बताया कि अब वर्तमान परिदृश्य के अनुसार शिक्षा जो है वो रोजगार परक होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अब वो शिक्षा का जमाना नहीं रहा, अब हमें शिक्षा में आधुनिकता को लाना पड़ेगा और इसको रोजगार परक बनाना पड़ेगा ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो हम सभी मुख्य अतिथियों का और सभी विशेषज्ञों का, हमारे प्रभारी महोदय, हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय, सभी को धन्यवाद देता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, वैभव भारद्वाज जी, आप युवा हैं, भारत के युवा हैं, भविष्य भी हैं, और
विशेष विद्यालय अभिप्सा के विशेष विद्यालय में प्रिंसिपल भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सकारात्मक मंच जो है देश को दिशा दे रहा है और कई राज्यों से लोग जुड़े, सबसे बड़ी बात रहे वेबिनार का ये मकसद सफल हो गया। कई राज्यों के लोगों तक जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक गहन विचार विमर्श लोगों को पसंद आया और हम लोग अब इसको समापन भी करेंगे।